177 है, सारे लेटे हुए हैं। हाँ क्या, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा 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 भाई, ये तू ही है ना सावन, सावन को। हाँ तो ये मेरी रिपोर्ट्स है, मेरे को अभी रिसेंटली डेंगू हो गया। मेरे साथ जो डिस्कस कर रहा था पखारिया, रिपोर्ट सही है कि नहीं? हाँ हाँ, तू तेरे से, तू ही तो डॉक्टर है, बता पहले था कर क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, मैच देख रहा हूँ। कौन सा मैच? ऐसे ही बस, एशिया कप किसका, इंडिया नहीं किसका, श्रीलंका वर्सेस वो तो। अरे उसकी स्क्रीनिंग तो करा नहीं पाया भाई, तो स्क्रीनिंग तो कराई थी बट वो मैच रेन की वजह से रद्द हो गया। भाई हमारा एक ग्रुप है ना कन्फेशन वाला, वहाँ पे भाई अब नई एएमए की बहुत वो हो रही है, तो लाइक बट पचौरी अपना फुल दे रहा हूँ। हाँ पचौरी तो भाई अपना पूरा वो दे रहा है भाई, कोशिश कर रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रीनिंग हो रही है और क्या चाहिए। और क्या करा सकते, सही है ये। ये बात पचौरी ने जो वादे किए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दिखाने के, आधे आधे पूरे, वो तो किस्मत की बात है ना, या वो हुआ नहीं। एंड से पूरी स्क्रीनिंग लगा दी थी नेस्की भाई, नेस्की पे पूरा माहौल था भाई सच में, बट अब नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। अंश, अंश और वो उसका लैपटॉप, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। ठीक है अंश, ठीक है तो ये बता यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, ये बता मुझे कि अब नए रूम में आके तेरे को कैसा फील हो रहा है? लाइक एक नंबर रूम, वाह भाई, बड़ी सी रूम, स्पेशियस रूम है भाई, स्पेशियस है ना, और सबसे अच्छा हमारा एसी है भाई, सबसे अच्छा है डेथ बेड। हाँ डेथ बेड भाई, डेथ बेड आपने पिछली वीडियो में देखा था, अब ये देखो पूरा हो चुका है। यहाँ पे पचौरी सोता है, उसके साइड में अंश सोता है, यहाँ पे सोता है पखारिया, एंड उसके साइड में मैं सोता हूँ। पखारे का बेड भी बड़ा सेक्सी सा है थोड़ा, अगर इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे ना तो आवाजें मारने लगता है। ये जो बेड है ना, ये ना इंस्टॉल किए जाते हैं, लाइक बना देते हैं कारपेंटर वगैरह और फिर अच्छे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो खुद ही खुद जोड़ दे रहे हैं 10-10 रुपए की फेविकॉल से, और वो फिर बैठते हैं और वो टूट जा रहा है, तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ कि नहीं ये टूटना नहीं चाहिए, बट लकीली ये पिछले साल से चल रहा है। तो पर पिछले साल से इसमें आवाजें आना जरूर चालू हो गई है भाई, आवाजें आती है भाई लिटरली, अगर तुम इसमें लेटो भी देना पड़ता है। वो तो वो तो मिलके पचौरी है ही हमारे साथ, तो पचौरी संभाल ही लेगा वो सब कुछ। सॉरी हम स्टॉक में लगा लगा, अच्छा बताना नहीं होता है, कट कट। आप सबको पता चल चुका होगा पचौरी हमारा नया रूममेट है। यस तो डेली सुबह सुबह सबको उठाता हूँ क्लास के लिए, कोई नहीं उठता नहीं। हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज यहाँ आने के बाद नहीं, मैं रोज सोता रहता हूँ 9 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। अंश तो, हाँ अंश तो सोता ही रहता है, वो अलग बात है। छुट्टियों के बाद मैं जगाने वाला हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई क्लिनिकल क्लासेस होती हैं जो कि हमारे इस ईयर में पढ़ाई नहीं जाती, पचौरी सोता ही रहता है। नहीं क्लास में रोज जाता हूं भाई। हाँ अभी 2 से 4 मेरे को बोल रहा था, मैसेज कर रहा था कि सावन सावन प्रॉक्सी लगा दियो, ये कर भाई, ये भाई। तो सुबह सुबह क्लास कोई नहीं जाता, इसलिए मैं जाता हूँ। सब जाते तो उसमें तो अटेंडेंस लगी जाएगी ऑब्वियसली। पखारी ये बता कि पचौरी हमारे नया रूममेट है, कैसा लग रहा है पचौरी? रिव्यू पचौरी पे एक रिव्यू दे। मैं बिल्कुल सोने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, पचौरी इतना बड़ा स्पीकर लेके गाना बजा दिया भाई, पचौरी ने मैं हिल गया भाई, मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई, फिर मैंने बोला पचौरी भाई मैं सो रहा हूँ भाई, पचौरी ने बंद कर दिया। हाँ और एक बार ऐसा हुआ, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने कहा भाई 7 बजे उठते हैं, 7 बजे मैंने कहा लाइटें खुली हुई है, पचौरी को देखो पचौरी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्या चल रहा है ये तो मैं भी रोज रोज ऑब्जर्व कर रहा हूँ भाई, मैंने कहा क्या चल रहा है भाई। और अंश, अंश को देख रहा हूँ, अंश उठ रहा है 11 बजे। अभी तक तो भाई पचौरी का हम पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ हमारा रूम, एंड ये थोड़ी साफ सफाई के बाद है, एंड फाइनल कुछ ऐसा रूम है हमारा, ठीक है ऐसा देख सकते हो। अभी चेंज होगा, अभी बेड चेंज हो गए, बेड चेंज, ये टेम्परेरी बेड है अभी, तेरा डेथ बेड चेंज हो। अंश को देख लीजिए अच्छे से, बस अंश से इतना ही कंटेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे मत बोले करे कि ठीक है। हाँ भाई अंश किसी चीज में अच्छा हो या ना हो, ताले तोड़ने में सबसे ऊपर है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देख रहा होगा भाई। अंश सीन क्या था? अरे मैं ना नहाने गया था, ठीक है, यहाँ बाल्टी नहीं थी, पता नहीं इन्होंने कैसे नहीं देखा, सावन भी था और पचौरी भी था, ये लॉक लगा के चले गए, मेरे पास ना फोन था ना मेरे पास कपड़े थे, ठीक है, एक टॉवल था, एक टॉवल और कच्छा, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, तो वो तो अच्छा था कि सिड वहाँ था, तो फिर मैं उसके रूम में बैठा था, मैं बैठा फिर आधा घंटा हो गया, सिड बोल रहा था मैं पचौरी को बताता हूँ, मुझे लगा पचौरी कैसे ना कैसे अरेंज करवा देगा भाई चाबी,
नहीं करवाई मैंने, लिया डंबल धार तोड़ दिया भाई, इसने तला ताला ही तोड़ दिया भाई। और इसकी वजह से अब पचौरी अपना ताला लगा के जाता है जिसकी कोई चाबी नहीं है और वो चाबी इसी के पास है भाई। हम ना लिटरली और कमरों में बैठे रहते हैं और ये पता नहीं कहीं घूम ही रहे हैं। वो तो हमें पता ही है कहाँ घूम रहता है पचौरी भाई। भाई ये लाइब्रेरी रीडिंग रूम ये हम तब बताते थे जब हमारा रूममेट नहीं था ये। अब हमें इसकी अंदर की बातें पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब वो बतानी है या नहीं बतानी पचौरी, ये बता दे। है? वो तो नहीं बतानी, नहीं बतानी होती। हाँ ठीक है, जैसे मनीष के साथ मैं डिस्कशन करता हूँ उसके रूम में। हाँ भाई और भी तेरे रात रात में डिस्कशन चलते हैं। मुझे दे दिया हाँ, ताकि ये भी ताड़ा ताड़ा ना तोड़ो। हमारा पखारिया आजकल बड़े वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रहा है एंड सारी लड़कियों को सिखा भी रहा है। क्या प्रैक्टिस करवा रहा है भाई? ओए निकल जा जाए दूसरे रूम के। और निकल भी गया वो अच्छे से। तो आजकल हमारा पखारिया डेली प्रैक्टिस में जाता है, वॉलीबॉल में प्रैक्टिस करवाता है। मैं ना अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ। नहीं भाई लड़कियों को प्रैक्टिस करवाता है कभी कभी जब कोई सर वगैरह नहीं आते तो कभी कभी मुझे कह रहा था आज मैंने ऐसे ये वाला सिखाया, आज मैंने ये सिखाया। कभी कभी इस दिल में ख्याल आता है पखारिया ये इसका सेंस कॉमेडी मजा नहीं आया। अब धीरे धीरे करके ना हम पचौरी का ह्यूमर भी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सॉरी पढ़ाई में तो सही है पर ऐसी चीजों में थोड़ा लैग बिहाइंड हो रहा है। मैं इनका ह्यूमर पढ़ाई में बढ़ाने वाला। हां वो तो ठीक है ओके वो तो पता नहीं। हां पचौरी तो चलो चलते हैं, इतना ही था हमारा रूम यहां पे। अभी हमारे रूम में रेनोवेशन होना बाकी है। अभी अंश की अलमारी, हां अंश की आप देख सकते हो ये अलमारी है, मतलब हमारी तो ऐसी अलमारी है पर अंश की ऐसी अलमारी है। हाँ इसमें कुछ वो नहीं है, लाइक बस पर्दा ही है। तो पर्दा यहाँ पे कोई नहीं होता। अंश ऐसा है उसको ना अपनी अलमारी का पता भी नहीं होता, लाइक ना पचौरी बोलता रहता भाई अंश सही करवा ले अपनी अलमारी, नीचे है कारपेंटर। अंश डेड सोया हुआ, अंश सोया हुआ। तो चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत बातचीत हो गई, नेक्स्ट कमरे में चलते हैं एंड वहीं मिलते हैं। ओके तो ये ओ भाई ये सब क्या चल रहा है? हेलो ये कमरा है सौम्यम पवित्र और प्रेम का और प्लस एक सेकंड एक कर लेने दो क्या गफारी। क्या गफारी तुम ये क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहे हो? खा क्या रहा है? हेलो ये क्या कर रहा है? आपको नाम भी पता है इस चीज का? मैं तो कपालभाति कर रहा हूं। लोम विलोम अनुलोम भाई, बहुत लोग कह रहे थे कि इतनी देर से कि प्रेम का है बीमार तो हो हमें पता ही है। और ये पवित्र भाई साहब लिटरली ये सब ना फोन वोन चला रहे थे, कुछ कर रहे थे। मैं बता रहा हूं, ये लोग हमसे अलग हो गए और अब ये लोग आते भी नहीं हमसे मिलने। अरे पता है बात, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम पढ़ाई करने लग गए। हाँ वो तो हमें पता है। अरे टेबल वेबल पूरी साफ कर दी है, ये इन्हें देख सकते हो ये नए रूम का इनका क्या सीन रहने वाला है। ऐसा सीन है कंट्री भाई, सबको पता है कहाँ से हो रखी है, चुराई गई है। ये ठीक है कि अभी जब रूम शिफ्ट हुआ है ना तो हम उस हॉस्टल से धनवंतरी से ओबीएस आ चुके हैं और ये बिल्कुल ही अलग विंग में पड़ता है। इनका 101 है और हमारा रूम 177 है। तो बिल्कुल ही आना जाना बिल्कुल ही नहीं हो रहा आजकल। एंड ये बता दूं ये सब पूरा स्क्रिप्टेड था, ये जो योगा वाला है। मैं हम लोग हर सुबह उठ के हमने योगा का प्रैक्टिस भाई और सुने से पहले अभी सुबह के 6 बजे था भाई। प्रेम तू तो इतना भी स्क्रिप्टेड नहीं करो। प्रेम तू तो मत ही बोल भाई, सुबह मैं ना जैसी पोस्टिंग से वापस आता हूँ ना वो ये ना ऐसे निकल रहा होता है, तो ब्रश कर रहा होता है अपने कमरे से निकल के। नहीं मंजन मंजन इधर बैठ के मग्गे के साथ। ये क्या था भाई? प्लीज बताओ यहाँ पे रूम में आके तुम्हें कैसा लग रहा है, लाइक धनवंतरी से यहाँ पे शिफ्ट होना कैसा लग रहा है? जब शिफ्ट हो रहा था उससे पहले जब धनवंतरी में था मैंने तेरे से तब भी बात करी थी, तूने कहा था यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन नहीं था कि लेकर अलग दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं वैसा। और अभी क्या है कि एकदम एनवायरनमेंट आसपास एकदम शांत लोग हैं और एकदम अच्छे लोग हैं तो एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया पार्टी करने वाले लोग बिल्कुल नहीं है। हाँ और तुम भी नहीं करते हो तो बोलने की बात ही नहीं है। और इनका रूम देख सकते हो बहुत साफ है, सुथरा हो रहा है। झाड़ू तो आप देख रहे हो, ये मैं लगा रहा था। हाँ मैंने लगाई है वो, देखो मेरे रूम का एरिया वो वाला है। इनका रूम बहुत ही बिखरा हुआ था, ये कुछ भी कर रहे थे, फोन चला रहे थे। फिर जैसे ही मैं आया इन्होंने मैट वैट खोल लिया, इसने कपड़े अपने वहाँ पे शिफ्ट कर लिए। और सौम्यम तेरे को कैसा लग रहा है वैसे शिफ्ट हो गया? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बाहर बहुत अच्छी सीनरी है यहाँ से भाई। पर बात ये है यार तुम
फ्रेश होने कहाँ जाते हो लाइक हो जाता है अरे हमारे फ्लोर पे है बहुत अच्छा फ्लोर पे दूर दूर से सीनियर्स आते हैं फ्रेश होने के लिए भाई सच में ओबीएस आने के बाद भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत आई है भाई टॉयलेट्स यहाँ के बहुत ही खराब हो रखे हैं चलो इंडियन में तो चलो जैसे तैसे हो जाता है बट वेस्टर्न वाले तो यहाँ पे है ही नहीं अलग फ्लो ऊपर जाना सारे शुरू के दो दिन धनवंतरी गए थे सामान लाने के लिए अरे पता क्या तो मैं गया हूँ मैं ठीक है मेरे को कुछ सामान चाहिए था तो मैं गया था मैं चेंज वो करके आ रहा था भाई मैं जैसी लिफ्ट खोल रहा हूँ मुझे प्रेम दिख रहा है अब मत जाना भाई वहाँ पे अब मत जाना तो शिफ्ट विफ्ट हो चुका है प्रेम तू बता यार बहुत टाइम से तू दिखा नहीं है लाइक हाँ ये कैप वैप हाँ भाई ये नया स्टाइल है क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कीमोथेरेपी चल रही है अरे वो तो ठीक है तुझे कैसे लग रहा है ये नए कमरे में शिफ्ट होने का भाई बहुत सही लग रहा है हमारा रूम 4 सीटर है लेकिन एक बंदा रहता नहीं तो 3 सीटर ही रहा होता है चलो बढ़िया है भाई पढ़ाई चल रही है इनकी तो पढ़ाई अरे सही है ना प्राइवेसी मिल जाती है तुम तीनों को अब तुम तीनों को तो मिलनी भी चाहिए ऑब्वियसली मतलब इन दोनों को तू तो नहीं भाई वो कुछ अलग ही प्राइवेसी की बात चल रही है हाँ तू तो रहने दे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई एंड इनका ऐसा रूम है ये सारी चीजें अरे रुक जा फैन चल रहा है भाई ये सारी मैं फ्रूट्स खाता हूँ हाँ भाई विश्वास हो जाएगा ये प्याज है और कब के ये प्याज है ये कब के प्याज है कहाँ पे नीचे वाले अच्छा चलो ठीक है थैंक्स यार ये चीजें ये किसने बनाई भाई पबजी ये तूने बनाई है ये किसने बनाई है क्या तुम सो रहे थे एक रात में बना लिया एंड चलो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया पर मेरा हमने हमने ये बनाया ये कार्डबोर्ड लगाया और ये मैंने किया अरे ठीक है भाई टेप लगाना था मैंने सोचा आर्ट सोसाइटी में टेप लगा लिया टेप भी नहीं लगा कार्पेंटर भी है प्लम्बर ओ भाई भाई डॉक्टर भी है भाई गलत प्रोफेशन गलत यहाँ काटना पड़ रहा है हमें चलो ठीक है इनके गरीब लोग रूम से निकलते हैं और नेक्स्ट में जाते हैं ओके तो ये रूम रहने वाला है यहाँ पे सिड का मनीष का डांगी का और चिरैंड तू यहाँ क्या कर रहा है चिरैंड मैं तो इनका जो देने समाज में क्या देने क्या देने मिस कर रहे थे हाँ तू ये भाई चिरैंड का यहाँ पे आता पता नहीं है डांगी तो घर गया है ये रहा यहाँ पे सिड यहाँ पे जो सारी चीजें अब तुमने सारी जो चुराई हुई चीजें सारी फिट कर दी है ये इसकी गलत फहमी ये रैक पूरा चुराया हुआ है ये भी चुराए हुए इसमें क्या है व्हाइट वाले उसमें क्या इसमें सच में कुछ खाने वाने का होगा है ना चिराग का होगा इसमें चिराग की मुझे लग रहा है नमकीन होगी और जैसे ही मैं निकालने वाला होगा मेरी वीडियो बना लेंगे हाँ ये कैमरा के साथ यहाँ पे रेडी हो रहा है फिलहाल अथर्व के रूम में आर का नहीं है घर जा चुका है तो ये ऐसी अवेलेबल है क्या हाँ पता है लिटरली आर का कैसा वो था भाई ये बता भाई अर्का ऐसा है कि वो ऐसा उसको चाहिए थी पार्टी चाहिए थी भाई वो ऐसे कि एक महीने बाद पार्टी दी पर मैं होना चाहिए भाई लिटरली भाई उसका मुंह बन गया था वो रूठ गया भाई भाई अभी सिड ने पार्टी दी थी ना आपने देखा होगा अभी पिछले व्लॉग में सिड ने पार्टी दी थी सिड ने आकाश ने और लोकेश ने पार्टी दी ये अदर चुरा रहा है इसके यहाँ पे ओ भाई इतना सारा सामान लेके आया चिराग तुम्हें खिला नहीं रहा रूमीज को क्यों नहीं खिला रहा भाई चिराग जब भी घर जाता है वो बहुत सारी चीजें लाता है नमकीन वमकीन अंदर ये सारी चीजें हैं यहाँ पे पता है पवित्र ने ना वीडियो बना ली है इनिशियल कि कौन लाया था उसके बाद ही पूरा खा जाएगा और सारा नाम अदर में ओए ओए चलो चलो चार है भाई चार है हम भी तो एक दो तीन चार पांच पांच हम भी पांच है एक दो तीन चार पांच परफेक्ट ये होना ही था मतलब चलो एक तेरा एक मेरा चलेगी चलो काफी है ये पता नहीं चलेगा उसे ओए अगले व्लॉग तक तो पता ही नहीं चलेगा ना उसे तब तक तो खत्म ही हो जाए तो सिर तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके धनवंतरी से ओबीएच में शिफ्ट हो गए वहाँ पे मतलब यही था अपनी सी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे थोड़ा अलग अलग सा वहाँ पे ऐसा होता है ना एक जूनियर है एक सीनियर है क्यों अच्छा अब आ चुका है तो फील हो चुकी है पूरी है यहाँ पे एक जूनियर सीनियर का टाइप फील था प्लस अरे प्लस ये तो ऊपर ही रहता था फिफ्थ फ्लोर पे रहता था पता ही आता भी नहीं था फोर्थ फ्लोर पे अब तो भाई साइड में ही है तो अब तो थोड़ा बातचीत होती रहेगी पर ये बहुत दूर हो चुके हैं ये अलग ही विंग हो चुका है इनका एक अलग ग्रुप बन चुका है बहुत अच्छे हाँ ये रोज पार्टी करते हैं है मस्ती करते हैं काटना पड़ेगा भाई
तो चलो जाते हैं इस कमरे से, एंड पवित्र तो वेला है, वो वेलो की तरह दूसरे रूम में घूमता रहेगा। हाँ भाई, हाँ बहुत, मैं आया था, बहुत इम्पोर्टेंट मेहनत कर रहे हैं एक परफेक्ट आंसर ढूंढने में। भाई वो मैं क्वेश्चन भी नहीं बता सकता आपको कि वो क्या क्वेश्चन है भाई, वो बहुत वो हो जाएगा। ये बॉयज हॉस्टल की कुछ चीजें होती है। अथर निकल ले भाई अपने कमरे में, ऐसा बेघरों की तरह मत घुमा कर। बस अपने कमरे में आ गए, एंड ऐसी कुछ वीडियो थी, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी पर ठीक ठीक थी। मतलब एक जनरलाइज ऐसे बताना चाहते थे कि लाइक जो हमारे नया हॉस्टल है, जो थर्ड ईयर के हॉस्टल है। और वैसे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, करेंटली मैं सेकंड ईयर में हूँ, बट 23 बैच आने वाला है ना, तो वो भी फर्स्ट ईयर में होंगे। जो 2022 का बैच होगा वो भी फर्स्ट ईयर में होंगे, एंड अभी हम 21 का बैच है, हम सेकंड ईयर में है, तो मतलब एक बैच एक्स्ट्रा है ना, तो हमें शिफ्ट कर दिया गया हमें थर्ड ईयर हॉस्टल्स में। बट मतलब हमेशा तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट ईयर में हम सबको सिंगल हॉस्टल मिल जाता है, मतलब सिंगल रूम मिल जाता है, वो भी डिस्टेंस वाइज होता है। अगर आप दिल्ली से करीब में रहते हो तो आपके पास बहुत कम चांसेस है सिंगल रूम पाने का, एंड अगर आप दूर दूर रहते हो तो आपको जनरली मिल जाता है आपको एक सिंगल रूम। तो कुछ ऐसा रहने वाला है, कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जो कि थर्ड ईयर वाले होते हैं, एंड जो कि हमें सेकंड ईयर वालों को मिल गए। जो भी है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, एंड ठीक है, ठीक ठीक वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।